आवाज न्यूज और आवाज न्यूज में आज हम बात करेंगे कुछ मुद्दे की, लेकिन सबसे पहले आज लोहिया जी का जन्मदिन और ऐसे में उमेश कुशवाहा जी हमारे साथ। उमेश कुशवाहा जी, आज लोहिया जी का जन्मदिन मनाया गया और ये सही बात है कि बिहार में अगर जब राजनीति की बात होती है तो लोहिया जी, जेपी, सबों को याद किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी का ही विचारधारा है, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पर हमारी पार्टी की विचारधारा चल रही है। हमारे नेता जो हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोहिया जी के, गांधी जी के, कर्पूरी ठाकुर जी के, अम्बेडकर जी के, इन लोगों की विचारधारा को, इनके आदर्शों को, इनके जो सपने हैं उनको साकार करने में लगे हुए। और लोग तो अन्य पार्टी जो है क्या करते हैं, सिर्फ उनकी जयंती मनाने का काम करती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारे नेता ही इसको धरातल पर उतारते हैं, व्यवहारिक बात व्यवहार में लाते हैं। उनके जो 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 सामाजिक न्याय जो के जो लोग हैं, जो मसीहा हैं, समझे, उन सब के जो हमारे पुरोधा हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनको हमारे नेता ही लेकर चलते हैं। बिल्कुल, देखिए, और दूसरी सबसे बड़ी एक बिहार की अगर राजनीतिक एक उलटफेर की बात करें, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब बात आती है, 17 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिहार पर राज कर रहे हैं, भले जातीय समीकरण लगातार हावी रहा हो, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक अपना, कह सकते हैं कि अध्यक्ष पद की अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी को बनाया है। हालांकि ये सीधा कह सकते हैं निशाना है कि कुशवाहा समाज को लेकर, कुशवाहा समाज की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो तमाम लोग हो जो आज शिखर पर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन है। और ऐसे में उमेश कुशवाहा जो काफी सरल स्वभाव के हैं, और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पूरा समीकरण तय हुआ, आज बीजेपी ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, कुशवाहा समाज की अगर बात आती है तो जाहिर तौर पर अगर बिहार की सियासत को अगर हम देखते हैं तो 2024 और 25 के समीकरण को साधने के लिए अब कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट आ चुका है। कुशवाहा समाज की अगर हम बात करते हैं तो कई लोग अभी कह सकते हैं कि एक अब सिलसिला चलने लगा है। उमेश कुशवाहा जी, क्या लगता है, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर सबकी नजर है और ऐसे में सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना कितना हद तक नुकसान पहुंचाएगा जेडीयू को, या आने वाले राजनीति में कुशवाहा समाज का ये क्या समीकरण कैसे लेते हैं आप? देखिए, ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का मामला है उन पार्टी का, बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो उनको शुभकामना है, लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी के जो शीर्ष लीडर हैं, जो आज से 8 साल पहले 9 साल पहले जो उन्होंने बिहार की जनता के साथ वादा किया, चाहे देश भर में उन्होंने जो आश्वासन दिया, तो आश्वासन दिया और जिसको पूरा उन्होंने नहीं किया, और सामने चुनाव है, 2024 लोकसभा चुनाव है, तो 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे फिर पुनः सत्ता में आए, इसके लिए तरह तरह के कार्ड खेल रहे हैं। जनता जान चुकी है, जनता उनके खेल को, कुटिल चाल को समझ चुकी है, जनता अब उनके भरम में आने वाले नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसीलिए बिहार में ही नहीं देश में विकास चाहती है जनता, और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको जिन्होंने बिहार में न्याय के साथ समावेशी विकास का जो नींव खड़ा किया, ये आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जो इतना अद्भुत काम किया है। बिल्कुल, सवाल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन 17 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की दिशा और दशा चाहे तौर पर बदली है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजों को देखें, समीकरण देखें, अगर हम 17 सालों की अगर बात करते हैं तो अगर 17 साल बैक में जाते हैं तो कल तक बिहार क्या था और आज बिहार क्या है, और जाहिर तौर पर सियासत है, सत्ता से सियासत तक समीकरण बदलते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन 2024 के मिशन को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से, अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा को वायु सेना की सुरक्षा दी गई, मुकेश सहनी को वायु सेना की सुरक्षा दी गई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सियासत को बिहार में और मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे साथ उमेश कुशवाहा हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, एक सवाल जरूर सटीक सवाल ये मेरा होगा कि 2024 के समीकरण को साधने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है, क्या लगता है कि 2024 और 25 के मिशन में इस ताकत से कितना अपने आप को आगे ला पाएगी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो चेहरा है आज तक विकास के नाम पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सियासत अब जो सामने आई है उसको लेकर उमेश कुशवाहा इसको कैसे लेते हैं? देखिए, आज जो है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है,
जो हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त किया जा रहा है, तरह तरह के जो है भाजपा के द्वारा कुटिल चाल किया जा रहा है। भाजपा जो है आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है, पूरे बिहार ही नहीं देश में जो है आज आपातकाल की स्थिति लागू बीजेपी के द्वारा, सब लोग जान चुके हैं। तो जनता जो है मन बना लिया है, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव में महाबदलाव महापरिवर्तन चाहती है। इस महापरिवर्तन दिखाई देगा 2024 में, इसी के लिए भाजपा हताश में है और हताशा होकर बेचैन होकर ये जो है जो आप जिस धर इशारा कर रहे हैं, जब सम्राट चौधरी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई काम कर ले हो, सम्राट चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बना ले, उनको मंत्री बना दे उपेंद्र कुशवाहा जी को, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। यहां जनता मन बना लिया है ना, हमारे नेता ने ठान लिया है कि जितने भाजपा विरोधी मत है सब मत को एकजुट करने में और हमारे नेता लग गए हैं और पूरा देश की जनता मन बना लिया है इस बार परिवर्तन चाहती है देश की जनता और परिवर्तन होगी। भाजपा हटाओ देश बचाओ। और आपको जो जो लग रहा है जो जिन पर इशारा कर रहे हैं हम उनको शुभकामना देते हैं, सम्राट चौधरी जी को पूरा पूरा शुभकामना देते हैं, लेकिन जान लीजिए कुशवाहा समाज जो है ये जनता दल यूनाइटेड को ही पुश्तैनी घर समझता है, यही समझता है, उसका कहलाने यही होता है। आप देखेंगे इतिहास देखेंगे तो आप शुरू से जब देखिए तो हमारे नेता ही कुशवाहा समाज के लिए काम करते आ रहे हैं शुरू से। बोल ले कोई, समझ ले कोई, जब इन मौका होगा समझे तो क्या हर्ष होता है। सब कर ले हो, सम्राट चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बना ले, उनको मंत्री बना दे उपेंद्र कुशवाहा जी को, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। यहां जनता मन बना लिया है ना, हमारे नेता ने ठान लिया है कि जितने भाजपा विरोधी मत है सब मत को एकजुट करने में और हमारे नेता लग गए हैं और पूरा देश की जनता मन बना लिया है इस बार परिवर्तन चाहती है देश की जनता और परिवर्तन होगी। भाजपा हटाओ देश बचाओ। और आपको जो जो लग रहा है जो जिन पर इशारा कर रहे हैं हम उनको शुभकामना देते हैं, सम्राट चौधरी जी को पूरा पूरा शुभकामना देते हैं, लेकिन जान लीजिए कुशवाहा समाज जो है ये जनता दल यूनाइटेड को ही पुश्तैनी घर समझता है, यही समझता है, उसका कहलाने यही होता है। आप देखेंगे इतिहास देखेंगे तो आप शुरू से जब देखिए तो हमारे नेता ही कुशवाहा समाज के लिए काम करते आ रहे हैं शुरू से। बोल ले कोई, समझ ले कोई, जब इन मौका होगा समझे तो क्या हर्ष होता है, सब लोग समझते हैं। इसलिए यही यही घर है, यही सबका समान है। बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ इशारों में उन्होंने कह दिया और जाहिर तौर पर सात पार्टियों सात दलों की पार्टी मजबूती के साथ बिहार के समीकरण को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जाति समीकरण लगातार हावी रहा है। हालांकि विकास एक अहम मुद्दा रहा है और इसे कोई नहीं झुठला सकता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन 17 सालों में बिहार की तस्वीर और तकदीर भी बदली है और आने वाले समय में जो बिहार में चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का, बस इंतजार करिए और ये बिहार की सत्ता है और यहीं से पूरे देश की सत्ता और सियासत बदलती है और बिगड़ती है। और पल पल आगे और भी आपको हम बताते रहेंगे, देखते रहिए आवाज न्यूज।